हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रंची मंची किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन वाली भिंडी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपके पास भिंडी ज़्यादा लंबी है तो उसको बीच में से तीन हिस्सों में कट कर लीजिए, नहीं तो आप उसको दो हिस्सों में बीच में से कट कर लीजिए। और इसमें बेसन भरने के लिए हमें इसमें लगाना पड़ेगा एक छोटा सा कट, जो बीच में से आप इसको थोड़ा सा कट कर लीजिए इस तरह से। तो हमने इसमें डाला है नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। अब हम इसको अच्छे से बेसन में मिक्स कर लेते हैं और अब इस बेसन को हमने इस कट लगी हुई भिंडी में थोड़ा थोड़ा ऐसे करके स्टफ़ कर लेते हैं और इसको एक तरफ रखते जाते हैं। तो चलिए अब हम बेसन वाली भिंडी बनाते हैं। तो उसके लिए हमने ये लिया है कढ़ाई और इसमें डालते हैं 3 से 4 टीस्पून ऑयल और थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा ये एक प्याज कटा हुआ जिसको मैंने लंबा लंबा काट लिया है। प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे ये भरी हुई बेसन भरी हुई भिंडी इसमें डालकर और अब हम इसको छोड़ देते हैं। थोड़ा सा नमक ऊपर से डालकर इसको ढककर रख देंगे। भिंडी ऑलमोस्ट रेडी है, ये देखिए। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस। ये भिंडी हमारी रेडी हो गई है और खाने के लिए एकदम तैयार है। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं भिंडी एक प्लेट में।